अपने आप को सच्चा जनसेवक साबित करने के लिए नित्य नए नए कार्य करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं उपनगर ग्वालियर क्षेत्र विधानसभा बंदा के प्रत्याशी ने अभी से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और वह इस चुनाव प्रचार के दौरान बाढ़ नौके प्रजापति मोहल्ले में पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी माधव नामक महिला के घर भिंडी और रोटी खाई और उनसे चुनाव के लिए एक रुपये दान रूप में भी लिया। उनका कहना है कि वह जनता से एक एक रुपये एकत्रित करके चुनाव लड़ेंगे और यह चुनाव वे नहीं जनता लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह जनता को मूल रकम तो वापस नहीं लौटाएंगे लेकिन ब्याज को हर हालत में वापस करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों के कनेक्शन जोड़ने, विद्युत पुल पर चढ़ने तो कभी नाली साफ करने को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। अब अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोगों से एक एक रुपये इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और लोगों के बीच में पारिवारिक सदस्य बनकर जा रहे हैं। सेवक एक बहन को तो आगे लाओ, हमेशा चुनाव मैदान में रहा है ये बहन त्रिवेणी बाई से ले रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दे रहा है बहन के मूलधन तो नहीं चुकाऊंगा पर ब्याह जरूर चुकाऊंगा ये मैं कहना चाहता हूँ। और विकास वर्धमान और कार्यकर्ताओं के बीच और किस तरह से बहन से आपने एक रुपया त्रिवेणी बाई वाथम के घर उनका भोजन उनका आशीर्वाद और एक रुपया लिया है जो चुनाव लड़ने में सहायक होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि ग्वालियर की चुनाव ग्वालियर की जनता लड़ती है। कांग्रेस निशाना साध रही है कि क्या फंड की कमी है मंत्री जी के पास, तो जनता से मांग कर जो है चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस क्या कहती है उस बात की फिक्र ये सेवक नहीं करता। मैं प्रद्युम्न ये सेवक है, सेवा और विकास में विश्वास करता है। कांग्रेस की जो सूची आई है उस सूची में लगातार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना। जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इधर बैठो।